हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज का जो वीडियो है वो मैंने बहुत टाइम पहले शूट किया था। एज यू नो कि मैं अपने हर वीडियो में सिर्फ वॉइस ओवर ही करती हूँ। सो इस वीडियो में मुझे एक्चुअली वॉइस ओवर नहीं करना था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो कमेंट्री की तरह पेश किया जाए। एंड आई होप कि आपको पसंद आ जाए। प्लस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आपको ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। पहले ही कॉन्टेक्स्ट में बता दो कि हम लोग मैं और मेरी मम्मा हम लोग मेरे नाना नानी के गांव जा रहे थे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और गाँव की थोड़ी बहुत लाइफ दिखाई जाए कि गाँव में होता क्या है। पहले मैं बहुत जाया करती थी, बट अभी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे जाना बहुत कम हो जाता है गांव में। बट मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है। एंड जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने नाना नानी के गांव जाने के लिए बहुत ज़्यादा तरसती हूँ। सो एंड आई होप कि मुझे फ्यूचर में भी मौका मिले ताकि मैं आपको और ज़्यादा बता सकूँ कि गाँव की ज़िंदगी कैसे होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलगाड़ी जा रही है, जो कि ऑफिशियल जो होता है गांव का व्हीकल है। तीन कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो कि अपने घर जा रहे होंगे, बिकॉज इट वॉज लाइक शाम का समय था और बहुत हम लोग जा रहे थे। सो बहुत ज़्यादा हरियाली थी गांव, क्योंकि बादल इतने अच्छे दिख रहे थे। सनसेट हो रहा था, हम लोग जा रहे थे। सुबह का टाइम है और 17-18 सालों में ये पहली बार हुआ है कि मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये एक्चुअल में हुआ है। जिसमें यहाँ पर मेरी नानी रंगोली बना रही थी, उन्हें रंगोली बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सो ये मैंने रंगोली का, मेरी नानी की रंगोली का स्वास्तिक वाली रंगोली बना रही थी। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए आपको मिल जाएगा। जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि आपको इस रंगोली का ट्यूटोरियल चाहिए। रोज सुबह रंगोली बनाती है, इट इज अमेजिंग, बिकॉज मुझे बिल्कुल शौक नहीं है रंगोली बनाने का और मुझे आती भी नहीं है। एंड उन्हें इसे देख कर सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये रहे मैरीगोल्ड के प्लांट्स जो कि मेरी नानी ने लगाए थे। प्लस ये एक ही प्लांट है जिसके इतनी सारी ब्रांचेस निकली है और कुछ दिनों में इसमें फूल भी आ जाएंगे। ये दोनों बैल मेरे नाना नानी ओन करते हैं और इनके कानों में इनका आधार कार्ड तक लग चुका है अभी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगा कि इनके कानों को क्या चिपका है ये पीला। प्लस ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं बोलते हैं कि बैल चोरी हो जाते हैं, और पीछे उनकी बैलगाड़ी भी थी जहाँ पे इनको ऐसे मैं बचपन में बहुत घुमा करती थी बैलगाड़ी के ऊपर। नाना के साथ जाती थी मैं, तो बहुत मज़ा आता था। एंड अभी भी वो पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं। वो दिन अलग थे। और ये रहे अबोली के फूल, जिनको नहीं पता, आई थिंक महाराष्ट्र में जितने लोग रहते हैं उनको पता ही होगा कि ये अबोली के फूल थे। बट महाराष्ट्र के बाहर जो रहते हैं उनके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन, उनके लिए नया फूल। और ये सदाफुली का फूल है जो 12 महीने इसमें फूल आते हैं। प्लस इसे ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। पर कोई तो भी प्लांट क्लाइंबर प्लांट था जिसमें फल लगे, वेजिटेबल लगा था। और एंड ये रहा कौवा जो कि मेरे नाना नानी के बैलों को परेशान कर रहा था। इट इज स्ट्रेंज, गाना भी है उस पर, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। मुझे कभी नहीं काटा कौवे ने, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। और ये रहा छोटा सा पपी, आंगन में आया था। सो इस पपी को देख के मुझे अपने पेट्स की याद आ रही थी। बहुत ही क्यूट था, मुझे सिम्बू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इसे देखते हुए। एंड आई विश कि
सिंबू साथ में होता उस वक्त। और इसे हमने रोटी खिला दी थी बिकॉज ये बहुत भूखा लग रहा था एंड हमारे पीछे पीछे आ रहा था, तो इसे हमने रोटी दे दी एंड ये बहुत ही अच्छे से खा रहा था। सो मैंने थोड़ा बहुत शूट भी किया बिकॉज ही लुक्स क्यूट दो। बस स्ट्रीट डॉग्स का ऐसा होता है कि आप जब उन्हें कुछ खाने के लिए डालते हो तभी वो लोग खाते हैं, वरना उनको बहुत ही ज़्यादा फास्ट करना पड़ता है, कोई उन्हें डालता वगैरह नहीं है। प्लस ये रहा मेरा पार्ट वन का नानी के गांव का वीडियो, पार्ट वन इस वीडियो का, एपिसोड वन पार्ट वन आप इसे जो भी बोलना चाहे। सो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्द आएगा एंड आपको अगर ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस वीडियो शेयर, दिस वीडियो एंड कमेंट मत भूलिए बिकॉज आप कमेंट ही नहीं करते, कुछ तो कमेंट किया कीजिए। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने लिटरली सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लस हमारे चैनल पे 150 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइज, थैंक यू सो मच। एंड हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।